देखा है, मैंने अपनी आंखों से उन्हें देखा है आज। मैं कहती थी ना आपसे, मेरा विश्वास जीतेगा। वाह, अच्छी कहानी है। आप सब विश्वास करो इस छोरे की बात पे, हम विश्वास ना करेंगे। ऐसा कौन सा पाप किया है हमने जो हम दुनिया भर की लानत झेल रहे हैं? जो लोग हमसे ऊंची आवाज करके बात ना करते थे, आज ही कुलक्षणी के 16 सिंगार पे उंगली उठा रहे हैं। आप चाहती हैं ना कि मैं इस घर से चली जाऊं? तो मैं अपने पूरे परिवार को लेकर यहां से जा रही हूं। राधिका, देख बिटिया मैंने तेरे लिए क्या बनाया है, तेरे पसंद का गाजर का अचार। बिरजू बेटा जी, इसे बाकी सामान के साथ रख देना, और ये खाने का कुछ और भी सामान है, रास्ते में आवश्यकता पड़ेगी। बिटिया, मंदिर गई थी, वहां से धागा लाई हूं। आगरा वाले नए घर में भगवान जी के चरणों में रख देना, रिश्तों में मिठास बनी रहेगी। यहां तो ताला लगा हुआ है, अब क्या करेंगे? अब वापस उस चूहे दानी में जाएं। ग्रेट, क्या लगता है इस वक्त तो वापस जाना पड़ेगा। नहीं माँ जी, मैं उन्हें वापस लिए बिना कैसे जा सकती हूँ? लेकिन बेटा, अभी तो जाना ही पड़ेगा ना, देखो ना ताला लगा है। ऐसा करते हैं, पहले हम लोग चलकर माँ जी को दिखा लाते हैं, वैद्य जी को, फिर सोचेंगे क्या करना है, हो सकता है कोई आ जाए। वैशाली दीदी, आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं हूँ हरिया, आपके ब्याह के समय बड़े साहब ने इस मकान की जिम्मेदारी मुझे ही तो सौंपी थी। हरिया काका, नमस्ते, कैसे हैं आप? ईश्वर की दया है। छोटी बहू, ये हमारे हरिया काका हैं। बरसों हो गए मकान की सुनी दीवारों से बातें करते हुए, अब आप लोग आ गए हैं तो जिंदगी भी आ जाएगी। आइए। ये लीजिए चाबी, अपना द्वार खोलिए और अपनी अमानत को संभालिए। माँ जी, मैं सोच रही थी कि कल जहां मैंने उन्हें देखा था, अगर आज मैं उधर जाऊं तो शायद वो मुझे मिल जाए। इस बार मैं उन्हें अपने से दूर नहीं होने देना चाहती हूँ माँ जी। मैं जानती हूँ आप यही सोच रही हैं ना कि हम इस शहर में नए हैं, शायद मुझे रास्ते ना मालूम हो, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, आते समय मैंने रास्ता देख लिया था, वो यमुना घाट के बहुत करीब है, मैं जल्दी ही लौट कर आ जाऊंगी। लेकिन छोटी बहू, ठीक है बेटे जाओ, लेकिन जल्दी आ जाना, नई जगह है ना, फिर घबराहट होगी।